आर फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको इंतजार है कि कोर्ट 68,500 और 12,460 जो भर्तियां थीं उनके कोर्ट केस का क्या हुआ, मैं आपको इसकी लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं। 68,500 12,460 की जो भर्तियां थीं उनका जो कोर्ट केस थे उन दोनों की सुनवाई की डेट लग चुकी है। डबल बेंच में इसकी सुनवाई चल रही थी और दोनों केस लिस्टेड हो चुके हैं। मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि इसकी सुनवाई कब होगी। जैसा कि दोनों भर्तियों में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था पासिंग मार्क्स को लेकर, 68,500 में 33% मार्क्स को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था, उस पर कोर्ट केस भी किया गया था, तो उसको लेके ये आपका 68,500 जो भर्तियां हैं और इनकी डेट फिक्स हो चुकी है। इनकी डेट 13 अप्रैल लगाई गई है और 13 अप्रैल को ये डबल बेंच में इसकी सुनवाई होगी। 13 अप्रैल यानी कि इसकी डेट आप देख रहे हैं आज ही है और आज इसकी सुनवाई होनी है। इसके अलावा 12,460 जो भर्ती हैं उसकी भी सुनवाई आज है और आज ये देखते हैं कि ये भाग्य पर डिपेंड करेगा भर्तियों के कि इस बार उनकी सुनवाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है। पिछली बार इनकी सुनवाई नहीं हो पाई थी, अगर इस बार सुनवाई होती है तो क्या परिणाम आता है, मैं तुरंत नई अपडेट के साथ आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन नर हो रहे निराश करो मन को, न रहें तो इसलिए हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमें ये उम्मीद पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अगर आज इसकी सुनवाई होती है तो क्या रिजल्ट आता है, क्या सुनवाई की खास बातें होती हैं, ये मैं आपको तुरंत बताऊंगा। क्योंकि ये 68,500 की भर्ती जो है बहुत इनकी फंसी हुई है, इसमें 33% पर अभ्यर्थी कोर्ट गए हुए थे, उनकी लगातार सुनवाई चल रही थी, अब 32 नंबर पर ये केस लिस्टेड किए हुए हैं और इन दोनों की सुनवाई आज एक साथ होगी। 12,460 की भी सुनवाई आज ही है यानी कि 13 अप्रैल 2022 को इनकी सुनवाई होनी है। तो बिल्कुल आप लोग धैर्य बनाए रखिए, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है आपके लिए या आज की सुनवाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नई अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।